नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में मोन्टेगू एंड कैंसफोर्ड रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे जिसको क्या बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोला जाता है मेन तो हम इसी से जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अब हम इसको ना छह स्टेप में पढ़ेंगे बैकग्राउंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड असेसमेंट तो सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट विच टूक प्लेस बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस सौ उन्नीस विल हेल्प बस कैप्चर द इंटेंशन बिहाइंड द प्रोविजन ऑफ प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो भाई होता क्या है ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है और खत्म होती है कब 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंडेड और इस दौरान जो इंडियंस थे वो सपोर्ट कर रहे थे किसको ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स को एंड एक्सपेक्टेड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट विल एग्री टू देर डिमांड आफ्टर द वॉर एंड्स तो बात ऐसी है इस स्पोर्ट इस के बदले इंडियंस ये उम्मीद कर रहे थे ये सोच रहे थे कि भैया ये वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस की जो डिमांड है उनको एक्सेप्ट कर लेगी बट इंडिया के लोगों की जो डिमांड है वो क्या होंगी ये डिसाइड हुआ कब 1916 में साल 1916 कांग्रेस सेशन हुआ जिसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पार्टिसिपेट किया जॉइंट सेशन था इनका जिसमें क्या हुआ लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया इस पैक्ट में आईएनसी और मुस्लिम लीग ने मिलकर ये कि, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या चाहिए तो यहां पे इन्होंने इन्होंने लखनऊ पैक्ट साइन कर लिया उसमें क्या क्या डिमांड थी वो इन्होंने रख ली और अगले ही साल मतलब उन्नीस में क्या होता है न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोन्टेगो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिक्लेरेशन दिया जिसे अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है और उसको मोन्टेगो डिक्लेरेशन भी कहते हैं गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया विल नाउ बी द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई जो ये अगस्त डिक्लेरेशन हुआ जिसको मोन्टेगो डिक्लेरेशन भी कहा जाता है इस डिक्लेरेशन ने क्या कहा कि अब इंडिया के लिए ब्रिटिश पॉलिसी का गोल होगा ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखो भाई अगस्त डिक्लेरेशन से पहले ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो, वो क्या थी इंडियन लॉ मेकिंग में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना और अब मोन्टेगू मतलब अगस्त डिक्लेरेशन में क्या लिखा गया एक स्टेप बढ़ के आगे बढ़ गए इसमें क्या था कि भैया इस दिशा में काम करेंगे आने वाले समय में भारत की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बने और ये डिक्लेरेशन हुआ इसके अगले ही साल वर्ल्ड वॉर वन क्या है एंड हो गई उन्नीस में और उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगले ही साल आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस उन्नीस पहली बार इस एक्ट में प्रियम्बल देखने को मिला ठीक है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया इसमें पहली बार देखने को मिला और इस में लिखा था प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ इसमें गवर्नमेंट इन इंडिया एज ए एंटीगल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भाई सिंपल सी बात है यहां पे ये लिखा हुआ था कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है बट यहां पर ये लिखा था कि इंडिया स्टिल ब्रिटिश एम्पायर का इंटीगल पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ ना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज ए इंटीगल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मतलब लॉन्ग टर्म में ये भारत के लोगों की सरकार तो बनाएंगे लेकिन जो ये सरकार बनेगी ये किसको रिस्पॉन्सिबल होगी ये भैया ब्रिटेन पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी मतलब इन ब्रिटिशर्स को फिर भी हमें रिपोर्ट ही करना पड़ेगा हमारी सरकार आने के बाद भी तो ये था बैकग्राउंड अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके पास है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटेन ये ब्रिटेन में बैठते थे मॉन्टेगू ठीक है ये कौन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉयसराय कौन थे इंडिया में कैम्स तो भैया इंडियन गवर्नमेंट का अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथों में ही कंट्रोल था जो कि ब्रिटेन में रहते थे और वॉयसराय की हेल्प से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे और उस टाइम पे वॉयसराय कौन थे भैया इंडिया में कैम्स दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस सौ उन्नीस से ऑलसो कोल्ड मॉन्टेगू क्योंकि मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना ब्रिटेन में बैठा था मॉन्टेगू कैम्स फॉर रिफॉर्म्स डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सौ उन्नीस डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस चेंज एनीथिंग तो भैया चेंज जानने से पहले हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट में इससे रिलेटेड कोई डिमांड थी या नहीं थी द सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स शुड बी पेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नॉट फ्रॉम इंडियन फंडस देखो भैया डिमांड ये थी कि जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना इसको जो सैलरी दी जाती है वो इंडियन फंड से ना दी जाए अब ये तो डिमांड तो रख दिया पूरी करेंगे या नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले वो देखते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा देखो भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दो तरह से काम करता है एक है पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और दूसरा है एजेंसी वर्क एजेंसी वर्क वो वर्क जो आज की डेट में जो जो कोई भी एम्बेसी है आप देखते हो गए एम्बेसी का नाम सुनते हो भैया बाहर कंट्री में जो काम करती है वो होता था उस टाइम पे एजेंसी वर्क ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियंस फंड से सैलरी इसलिए पे की जा रही है क्योंकि एजेंसी वर्क का भी काम ये खुद ही कर रहा है और एजेंसी वर्क कैबिनेट मिनिस्टर का, का काम थोड़ी ना होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भैया देखो अगर आपको इस चीज से भी दिक्कत है ना तो हम इसको चेंज कर देते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस उन्नीस में लंडन में एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया जिसका नाम the High Commissioner of India. और अब एजेंसी वर्क को हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया में डाल दिया गया जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल्स हैं उनको निभाएगा वो काम करेगा मीन इन दोनों कामों को सेपरेट कर दिया गया था इस काम को भी इस काम को क्योंकि पहले क्या है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही संभाल रहा था अब क्या है? हाई कमिश्नर संभालेगा इस काम को और ये सिर्फ इस काम को संभालेगा अच्छा जी चलो ठीक है इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है वो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करेंगे हम भाई ब्रिटिश है वो पे करेगी आपके फंड से वो सैलरी नहीं ली जाएगी तो देखा जाए तो लखनऊ पैक्ट की एजेंसी इस वर्क तो इसकी जो सैलरी है वो पे की जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और हाई कमिश्नर की जो सैलरी है वो, वो पे की जाएगी इंडियन फंड्स के द्वारा उसके बाद देखते हम थर्ड पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन रिकेप ऑफ उन्नीस उन्नीस एक्ट क्या था भैया 1919 एक्ट वायसराय की जो काउंसिल थी उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में छह मेंबर होम ये अलग अलग पोर्टफोलियो को संभालते थे होम हो गया मिलिट्री हो गया लॉ हो गया रेवेन्यू फाइनेंस और डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 चेंज एनीथिंग तो भैया हाँ बिल्कुल यस ये आपको पता है की भैया वायसराय के पास ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर पहले से थी इनफेक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट कौन सा अठारह से ठीक है ये पावर थी किसके पास के पास पावर थी ऑर्डिनेंस इश्यू करने की उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे जिनमें एक इंडियन अलाउड था ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें छह टोटल मेंबर थे जिसमें एक क्या है इंडियन अलाउड था अब मेजर चेंज क्या हुआ भैया देखो मेजर चेंज वॉज सो विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस नंबर ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज टू थ्री तो पहले एक था अब क्या है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो संख्या थी वो तीन कर दी गई थी भैया ये बढ़ा दी गई थी ये चेंज हुआ था एक मतलब क्या है मेंबर तो छह ही रहेंगे टोटल लेकिन उनमें पहले क्या है एक इंडियन था अब क्या है तीन इंडियन आ जाएंगे उसके बाद है भैया हमारा फोर्थ पॉइंट सेंट्रल लेजिलेचर सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंज हुआ था तो भैया हमने अभी तक पढ़ा है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में एडिशनल मेंबर में कुछ ऑफिशियल और कुछ नॉन ऑफिशियल होते थे और हमने पीछे भी पढ़ा लखनऊ पैक्ट में कहा गया था कि एडिशनल मेंबर कम हैं लखनऊ पैक्ट में ये डिमांड उठी थी कि भैया जो एडिशनल मेंबर की जो संख्या है वो कम है इसको बढ़ाकर डेढ़ कर देना चाहिए जिनमें जो पिचहत्तर है ना वो इंडियंस हो डेढ़ सौ में सेवेंटी फाइव इंडियंस हो और इन सेवेंटी फाइव में भी वन थर्ड बोले तो ट्वेंटी फाइव हैं वो मुस्लिम होने चाहिए आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने इस बात पर एग्री किया था कि मुस्लिम्स को वन थर्ड सीट यानी ट्वेंटी फाइव सीट पर सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना चाहिए अब सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने आपको बताया है काफी बार आपको पता होगा तो ये थी इंडियंस की डिमांड थोड़ा रिकअप देख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का क्या था इसमें किस तरह का जो ये सेंट्रल लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर था वो क्या था देखो एग्जीक्यूटिव वायसराय वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में छह मेंबर अच्छा अच्छा जी एडिशनल मेंबर की संख्या मिनिमम 16 होनी चाहिए मैक्सिमम से आठ ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाई वायसराय के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे अट्ठाईस मेंबर नॉन ऑफिशियल कितने थे बत्तीस जिसमें पांच नॉमिनेटेड बाई वॉयसॉय के द्वारा आएंगे ठीक है जी ये पांच नॉमिनेट किए जाएंगे तेरह स्पेशल इलेक्टोरेट के थ्रू आएंगे बारह इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा और दो इलेक्टेड बाई चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड कलकत्ता एंड बॉम्बे अब भैया लेट्स लुक एट द डिमांड एज पर लखनऊ पैक्ट और लखनऊ पैक्ट में क्या डिमांड थी भैया वो देख लेते हैं एक्चुअली है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस में ये कोशिश की जा रही थी कि इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर लेजिस्लेचर को मोल्ड किया जाए लखनऊ पैक्ट में तो एक डिमांड ये की गई थी भैया एक जो है ऑफिस जो एडिशनल मेंबर हैं उनकी संख्या कर दी जाए ये बात हुई थी लेकिन इनकी संख्या कितनी कर दी गई थी 205 तो इनकी एक जो डिमांड थी ये मान ली गई थी दूसरा ये था लखनऊ पैक्ट की एक डिमांड में से ये था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं इनकी टर्म कितनी है पांच साल इनकी जो टर्म है वो पांच साल कर देनी चाहिए डिमांड एक्सेप्टेड हालांकि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर है उनकी टर्म तीन साल कर दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो टर्म है वो पांच साल कर दी गई थी तो इनकी ये जो मोटी मोटी डिमांड थी वो क्या है मान ली गई थी देखो भाई सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या था लेजिलेटिव असेंबली कोड लोअर हाउस इसको बोला गया इसमें कितने होते थे 145 मेंबर और काउंसिल ऑफ स्टेट में इसको बोला गया अपर हाउस इसमें होते थे 60 मेंबर उसके बाद टर्म ऑफ लेजि काउंसिल शुड बी मेड फाइव ईयर ठीक है उसको पांच साल बना दिया गया था दिस डिमांड वॉज एक्सेप्टेड इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली ये बात हो रही है सेंट्रल लेजिस्लेचर की अब बात आती है असेंबली की और काउंसिल ऑफ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर थे उनकी संख्या थी 104 नॉमिनेटेड कितने थे 41 काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने थे नॉमिनेटेड सत्ताइस और इलेक्टेड कितने थे तैतीस अब जो इलेक्टेड मेंबर आते थे ये देख लो भैया फिफ्टी जनरल कॉन्स्टिटुएंसी से थर्टी मुस्लिम कॉन्स्टिट्युए से नौ यूरोपियन रिजर्व सीट होती थी फिर भाई लैंड हो गए सात चार हो गए इंडियन कॉमर्स से और दो हो गए सिख कम्युनिटी से नॉमिनेटेड कौन से सम ऑफिशियल 26 जो थे वो उनको नॉमिनेट किया जाता था नॉन ऑफिशियल होते थे 15 नॉमिनेट किया जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट में भैया ऑफिशियल को 17 और नॉन ऑफिशियल को 10 अब यहां देखो जो चेंज हुआ था वो आपको यहां नजर आएगा क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 देखोगे फिर आप उन्नीस देखोगे इन दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे आपको सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंज हुए उन्नीस में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसका स्ट्रक्चर क्या था कितने एडिशनल मेंबर कितनी संख्या कौन से नॉमिनेटेड में आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस सौ उन्नीस आया इसमें क्या था देखो जो चेंज हुआ सेंट्रल लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ स्टेट में नॉमिनेटेड कितने थे सताइस इलेक्टेड तैतीस पंद्रह जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से ग्यारह मुस्लिम तीन यूरोपियन तीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे बंगाल बर्मा से बर्मा से और वन एक सिख मीन्स टोटल जो इलेक्टेड सीट होगी वो कितनी होगी भैया 104 प्लस में 33 भाई यहाँ पे हुआ क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मुस्लिम्स के साथ साथ सिखों को भी जो सिखों और यूरोपियंस को भी क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था अब यहाँ पे एक सिख और तीन यूरोपियन ये जो सीट थी ना ये सेपरेट इलेक्टोरेट की सीट हो गई और मुस्लिम्स की कितनी थी ग्यारह बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे एक चेंज ये हुआ पहले क्या था सिर्फ मुस्लिम्स को ही सेपरेट इलेक्ट्रोरेट पे सीट दे रखी थी, थी अब क्या है यूरोपियन को भी दे दी और सिख एक सिख को भी दे दी अब यहाँ पे आता है द टोटल इलेक्टेड मुस्लिम 41 थे भैया सेपरेट इलेक्ट्रोरेट के थ्रू देर फोर वी कैन सी मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्ट्रोरेट ऑन वन थर्ड इंडियन सीट जो हमने पीछे बात की पिछहत्तर सीट की बात की थी ना डेढ़ में से और इसमें 25 क्या है सेपरेट जो इलेक्टोरेट होगी मुस्लिम्स के लिए सीट होंगी यानी इंडियंस के लिए टोटल 125 सीट पे चुनाव होना था चुनाव होना था सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए और इनमें से 41 जो कैंडिडेट थे ना मुस्लिम कैंडिडेट को चुना जाना था सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू ये जो थे ना मुस्लिम 41 सीट पे क्या है मुस्लिम कैंडिडेट को चुना जाना था सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू सिंपल सी बात है ये और ये ही डिमांड थी मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की कि भैया उनको जो वन थर्ड सीट है उनके ऊपर क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए तो वो इनकी डिमांड यहाँ पे पूरी हो चुकी थी अब यहाँ पे भैया आप थोड़ा सा और थ्योरी देख लो वट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट देर इज नो डिफरेंस इन द फंक्शन ऑफ लेजिटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट एक्सेप्ट वन डिफरेंस क्या था भैया वो फंक्शन ऑफ बोथ द हाउसेज वर ऑलमोस्ट सेम दोनों के जो फंक्शन थे दोनों हाउस के वो सेम थे एक्सेप्ट द पावर ऑफ वोट सप्लाई जो वोट सप्लाई की पावर थी उसको छोड़ के विच वॉज अवेलेबल ओनली विद लोअर हाउस को जो क्या है अवलेबल थी लेजिस्लेटिव असेंबली हैव वोट पावर सप्लाई बट काउंसिल ऑफ स्टेट हैव नॉट जो वोट पावर सप्लाई थी ना वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को थी और काउंसिल ऑफ स्टेट को ये पावर नहीं थी अब वोट सप्लाई मीन्स क्या होता है भैया पावर ये जो हमने देख लिया ना भाई जो डिफरेंस था वो तो यही है वोट सप्लाई वोट सप्लाई का मतलब क्या है पावर टू एग्री और नॉट टू एग्री ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रपोजल वोट और सप्लाई का मतलब ये था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के पास ये पावर थी कि गवर्नमेंट के खर्चों के प्रपोजल पर एग्री गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उनका जो प्रपोजल है उसके ऊपर एग्री होना है या डिसएग्री होना है ये पावर किसको थी भैया ये पावर थी कहा गई कहा गई कहा लेजिस्लेटिव असेंबली को और भैया किसी भी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट से दोनों से पास होना जरूरी था एक लॉ बनने के लिए पास होना जरूरी था उस बिल को लॉ बनने के लिए बट ये भी पॉसिबल था कि एक हाउस उस बिल को पास करने के लिए रेडी है और दूसरा नहीं यानी किसी तरह डेडलॉक की जो सिचुएशन है वो हो सकती थी तो भैया टू रिजोल्व एनी डेड बिटवीन बोथ द हाउस और इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए क्या किया गया भैया कि जॉइंट कमेटी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन भी डाला गया किसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस में उसके बाद है भैया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थोड़ा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को तो ऑलरेडी हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के समय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सात जगह पर थी इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इन सभी जगह पर एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ाया गया था और यहाँ पर भी एडिशनल मेंबर्स नॉमिनेटेड भी हो सकते थे और इलेक्टेड भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कौन कौन सी जगह पे थी भैया सात जगह पे यूनाइट प्रोविंस मद्रास बॉम्बे बंगाल असम बर्मा और पंजाब एडिशनल मेंबर वर इंक्रीज के अलावा भैया एडिशनल मेंबर वर इंक्रीज मतलब ये तो था 1909 एक्ट में अब यहाँ पे 1919 की बात हो रही है कि जो एडिशनल मेंबर की संख्या उनको बढ़ा दिया गया इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू प्रोविंशियल लेजिसलेचर वर एडिड अब इसमें क्या चेंज किया गया भैया कि दो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं उनको एड किया गया इसके अलावा और ये दो लेजिस्लेचर कौन सी थी बिहार और उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंस उसके अलावा भैया फॉर दिस इलेक्टेड मेंबर थ्री फोर्थ मेंबर विल बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इसके अलावा यह बोला जा रहा था कि हर एक प्रोविंस में जो मेंबर इलेक्ट होकर जाएंगे इलेक्ट होकर आएंगे उनमें से थ्री फोर्थ मेंबर को मिनिस्टर बना दिया जाएगा अच्छा जी उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया क्या इंट्रोड्यूस किया गया डबल गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल डार्की मतलब क्या है भैया ये जो डबल गवर्नमेंट है ये कैसे इंट्रोड्यूस हुई इसको समझने की थोड़ा पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी है तो शुरुआत करते हैं भाई देखो भैया सेंट्रल लेजिलेचर इसको थोड़ा सा साइड में में कर लो इंडियन इंडियन काउंसिल काउंसिल एक्ट एक्ट 1861 क्या था द पावर टू टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मेक तो हमने देखना होगा 1919 से पहले क्या हो रहा था हमने देखा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये पावर दे दी गई थी कि अपने अपने प्रोविंस के लिए लॉ बना सकते हैं अच्छा जी चलो एक बात ये होगी और फिर भी उन्नीस तक ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था कि या किन किन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं सेंट्रल सेंट्रल लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर या और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि वे थोड़ा कंफ्यूजन था क्लियर नहीं थे बट अंटिल 1919 तक देयर वाज नो क्लियरिटी ऑन डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन प्रोविंशियल लेवल और सेंट्रल लेवल जैसे आज के टाइम में आप देखते हो स्टेट के पास भैया जो स्टेट लिस्ट है और सेंटर के पास भैया अपनी यूनियन लिस्ट है और दोनों के पास भैया कंकरंट लिस्ट है अलग अलग मैटर लिखे हुए हैं कौन किसके ऊपर लो बना यहाँ पे उस टाइम पे क्लियर नहीं था तो यही दिक्कत थी उस टाइम पे 1919 तक क्या है ये क्लियरिटी नहीं थी ये सब्जेक्ट नहीं डिसाइड हुए थे कि भैया कौन किसके ऊपर लॉ बनाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं मद्रास या बॉम्बे प्रेजिडेंसी में रेवेन्यू को लेके लो बनाना है अब ये लो मद्रास लेजिस्लेचर बनाएगी या सेंट्रल लेजिस्लेचर यह तो 1919 से पहले क्लियर था ही नहीं भी ये तो पहले क्लियर था ही नहीं कि भैया कौन से टॉपिक पे कौन लॉ बनाएगा और इस क्लियरिटी के ना होने की वजह से कि भैया कौन से सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन थी वो हो जाया करती थी उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस उन्नीस में डिफाइन द सब्जेक्ट टू बी डेल्ट बाई द सेंटर एंड द प्रोविंस तो भैया इस उन्नीस सौ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस सौ उन्नीस में एक चेंज किया गया यहाँ पर जो सेंटर और प्रोविंस के बीच का जो भी लफड़ा है जो इन सब्जेक्ट को लेके भैया कौन लॉ बनाएगा इसको खत्म कर दिया गया सभी सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ठीक है और सब्जेक्ट सेंटर सब्जेक्ट और प्रोविंसियल सब्जेक्ट टोटल फिफ्टी टोटल कितने सब्जेक्ट थे फोर्टी सेवन सब्जेक्ट थे और भैया जो सब्जेक्ट ऑल इंडिया इंटरेस्ट के थे जिनमें पाया गया कि देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ऐसे सब्जेक्ट को सेंट्रल सब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया गया फॉर एग्जाम्पल डिफेंस हो गया फॉरेन पॉलिसी हो गई पॉलिटिकल रिलेशन हो गई करेंसी हो गई इन सब को क्या है ये जो सेंट्रल लिस्ट है सेंट्रल सब्जेक्ट है इनमें डाल दिया गया सब्जेक्ट विच आर ऑल इंडिया इंटरेस्ट एंड रिगार्ड टू विच यूनिफॉर्मिटी इन लेजिस्लेशन वॉज नेसेसरी फॉर वॉल ऑफ इंडिया वर रजिस्टर्ड एज सेंट्रल सब्जेक्ट लाइक डिफेंस फॉरन पॉलिसी पोलिटिकल रिलेशन करेंसी ये तो हमने देख ली भैया सेंट्रल लेवल पे जो सब्जेक्ट थे वो अब आ जाती है बात प्रोविंशियल सब्जेक्ट 50 सब्जेक्ट थे डिवाइड किया गया दो पार्ट में ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट तो भाई इन दोनों मैटर्स के ऊपर रिजर्व जो सब्जेक्ट थे वो और ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट थे जो ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट थे इन अलग अलग जो लोग हैं वो लोग बना देते थे अलग अलग लोग कौन है वो वो सिंपल सी बात ये है कि भैया जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं इन पे गवर्नर और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो लोग हैं वो मिलकर लो बनाते थे और वी नो दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे जबकि ट्रांसफॉर्म जो सब्जेक्ट हैं उन पर गवर्नर और इंडियन जो मिनिस्टर है ना वो मिलकर लॉ बनाएंगे अच्छा जी चलो ठीक है तो सिंपल सी बात होगी जो ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट है उनमें कौन होंगे गवर्नर साहब और जो इंडियन मिनिस्टर हैं वो मिलके लॉ बनाएंगे और इसमें रिजर्व सब्जेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो मिलके लॉ बनाएंगे तो भाई हमने अभी देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविजन था कि इलेक्टेड मेंबर्स में से थ्री फोर्थ मेंबर को मिनिस्टर बना दिया जाएगा तो हम यह देख सकते हैं कि टू लॉ मेकिंग बॉडी बना दी गई थी भैया एक गवर्नर प्लस में मिनिस्टर दूसरी गवर्नर प्लस में एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसका मतलब ये था कि हर एक प्रोविंस के लिए दोनों बॉडीज लॉ बना रही हैं। एक लॉ मेकिंग बॉडी रिजर्व सब्जेक्ट पे लो बना रही है और दूसरी लॉ मेकिंग बॉडी क्या है ट्रांसफॉर्म्ड जो सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर लो बना रही है और इस तरह से हमने प्रोविंशियल लेवल पे डबल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भाई दो गवर्नमेंट होगी ना एक ये एक ये डबल गवर्नमेंट तो इसलिए हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस में प्रोविंशियल लेवल पर डार्कि इंट्रोड्यूस कर दी गई थी तो ये तो हुए भैया वो चेंजेस जो प्रोविंशियल लेवल पर हुए थे अब करते हैं भैया क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस का असेसमेंट फॉर दी फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इस एक्ट की वजह से हमारे देश में पहली बार 1920 में मैं लिख देता हूं भैया डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिले जिसके थ्रू सेंट्रल एजिस्लेचर में 65 परसेंट 65 परसेंट और प्रोविंशियल एजिस्लिए में कितने 70 परसेंट मेंबर चुने गए अराउंड 65 परसेंट मेंबर इन दी सेंट्रल and 70% in provincial legislature were elected eligibility criteria for voters were, were so strict that only 17k 17000 people voted in the election that फॉलोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भाई वोटर क्या है बहुत कम थे क्योंकि हर कोई वोट नहीं कर सकता था वोटर बनने के लिए जो क्राइटेरिया था ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था एजुकेशन रेवेन्यू ये सारी चीजें लेके क्राइटेरिया बनाया हुआ था जो कि हर कोई फुलफिल नहीं कर सकता था उस टाइम पे इतने कहा किसके पास रेवेन्यू यार गरीब लोग जनता ज्यादा थी ठीक है तो वो कहाँ से वो जो क्राइटेरिया है वोटर बनने के लिए वो फुलफिल करेंगे जिसके कारण क्या है सत्रह लोग ही क्या है एलिजिबल वोटर थे दैट एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड दैट after 10 year a statutory commission would be set up to study the working of the government the resulted इन द साइमन कमीशन ऑफ 1927 तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये कहा गया कि इस एक्ट के लिए इस एक्ट में दिए गए जो प्रोविजंस हैं उनके द्वारा जो चेंज हो रहे हैं उसका जो असर हो रहा है उस पर स्टडी करने के लिए 10 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा हालांकि जो ये कमीशन है ये थोड़ा सा जल्दी ही अपॉइंट कर दिया गया था और ये कमीशन था साइमन कमीशन 1927 एंड दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया इस एक्ट में पब्लिक सर्विस एक्ट को भी कमीशन किया गया था और ये एक बड़ा चेंज था तो ये था गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक रिवीजन 1919 का होप आपको एक बेसिक्स आइडिया भी मिला हुआ होगा तो भी आप ठीक ठाक मोटी मोटी चीजें समझ गए हो गई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना